कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैंने आज का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा जिसकी फर्स्ट पेज की हेडिंग थी, लेकिन पेज नंबर 19 पे एक आर्टिकल आया जिसे पढ़ के मुझे बहुत ही ज्यादा शक हुआ। और वो शक ये कि शायद हमारे पीएम नरेंद्र मोदी 4 जून को अपनी दिल्ली की गद्दी छोड़ने वाले, क्योंकि ऐसा हो रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। न्यूज़पेपर का आर्टिकल है जो ये है, पेज नंबर 19 पे आया था, जिसमें लिखा गया है कि 7 of 10 लिस्टेड अदानी कंपनीज गेट सेबी नोटिसेस। तो आज तक जो नहीं हुआ वो अब हुआ। अदानी कौन है, गौतम अदानी कौन है, ये तो देश का बच्चा बच्चा जानता है कि ये पीएम नरेंद्र मोदी के खासो खास है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सेबी को आदेश दिया गया था लास्ट ईयर कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो अदानी की कंपनीज पे। तो अदानी की जो 10 कंपनी लिस्टिंग है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एज वेल एज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उन 10 में से 7 कंपनीज को सेबी का नोटिस आया। और सेबी है कौन, जितनी भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, जितनी भी शेयर बाजार होता है उसकी निगरानी, उसकी छानबीन करने का काम करती है सेबी। तो इस न्यूज़पेपर में बताया गया ये 10 कंपनी लिस्टिंग है गौतम अदानी की, जिसमें से 7 पे नोटिस इशू किया। उस कंपनी के नाम है अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर, अदानी टोटल गैस एंड अदानी विलमार। तो ये 7 कंपनीज पे सेबी का शो का नोटिस आया कि आप हमें बताइए कि आपकी कंपनी में सो एंड सो गड़बड़ी हुई है नहीं हुई है। कंपनी तो ये कह रही है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, उनका ऑडिटर तो ये कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं। तो क्या सेबी पागल है जो ये 7 कंपनीज को नोटिस इशू करेंगी? और आज भी नरेंद्र मोदी हमारे देश के पीएम है, और आज भी गौतम अदानी नरेंद्र मोदी के खासो खास है, उसके बावजूद ये 7 शो कॉज नोटिस इश्यू होना ये दिखा रहा है कि मोदी जी के चंद दिन रह गए, महज 1 महीना रह गए। आज है 4 मई और 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। तो मोदी जी का 1 महीना रह गया है सेंटर में गद्दी पे हुकूमत करने के लिए। और जैसे कि लक्षण लग रहे कि बीजेपी की हालत बहुत खस्ता है, एनडीए की हालत बहुत खस्ता है, और पीएम नरेंद्र मोदी भी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, वो वोट जिहाद की बात कह रहे हैं, वो औरंगजेब की बात कह रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम की बात कह रहे हैं, वो घुसपैठियों की बात कह रहे हैं, या अमित शाह भी थोड़े नासाज नजर आ रहे हैं। तो ये लक्षण दिखा रहे हैं कि बीजेपी की, अमित शाह की, मोदी की हालत खस्ता है, जिसकी वजह से सेबी ने भी अपना पावर दिखाया और इन 7 कंपनीज पे शो कर नोटिस इशू किया। अब इसका जवाब इस कंपनीज को, सेबी को देना पड़ेगा।